लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मनु मनु जल्दी, देर हो रही भाई, नाश्ता लेकर आओ। ये लो। क्या बात है भाई, हा? पहले मुंह तो मीठा करो। पर क्यों? आज जानते हो क्या है? क्या है? मुझे मालूम था तुम्हें याद नहीं रहेगा। मर गए। आज मेरा बर्थडे है। दत्तर की। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अच्छा बर्थडे गर्ल, आज तुम्हारे लिए क्या तोहफा लेकर आऊं? कुछ भी नहीं, आज शाम को मैंने एक पार्टी रखी है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं और तुम एग्जैक्टली 6 बजे आ जाना। मैं ठीक 2 बजे आऊंगा। 2 बजे क्यों? मैं इतनी शो नाश्ता। बैठो मनु, नाश्ता जल्दी लाओ। मॉर्निंग शो के बारे में क्या ख्याल है? बिल्कुल नहीं। ओ ब्लडी फूल, जल्दी करो, जल्दी लगाओ। हवा भरो, हवा भरो, क्या करता है तुम इडियट्स? कम ऑन, टेबल क्लॉथ, टेबल क्लॉथ लगाओ। चलो 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 चलो, सर इंडो सोवियत कोलैबोरेशन का ये जो प्रोजेक्ट है उसके लिए बहुत सी पार्टीज कोशिश कर रही हैं, लेकिन उन लोगों से मेरी जान पहचान है। जान पहचान है तो यहाँ क्या कर रहे हो? अगर ये बात बन जाए तो करोड़ों का मुनाफा हो सकता है। गो एंड मीट देम। ओके सर, मैं अपना काम करो, जाओ। हेलो, गुड इवनिंग। मोहन यस सर, करो आइए। मैडम, मेहमान लोग आने लगे। उन्हें बिठाओ, मैं अभी आती हूँ। ओके, आज रात को वो लोग जा रहे हैं, इसलिए आज शाम को 6 बजे मैंने उनसे अपॉइंटमेंट फिक्स कर दिया है। 6 बजे? जी। गुड, चलो चलो। ओके, बाकी लेटर बाद में डिक्टेट करवाएंगे। ओके सर। हाय। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। यस मैडम। हाय मीना, मिस्टर सेवकराम। जी मैडम। ऑफिस में फोन करके पता लगाओ अभी तक साहब क्यों नहीं आए। सुनो मनु, अब तो बहुत देर हो चुकी, हमें इजाजत दो। प्लीज, वो अभी आते ही होंगे। एक्सक्यूज मी मिसेस अविकांत, बहुत देर हो चुकी है, हमें एक जरूरी काम से जाना। प्लीज 5 मिनट रुक जाइए प्लीज। मैडम, छोटे माली किसी जरूरी काम से ताजमहल होटल चले गए। ताजमहल? हेलो, ये प्लीज पुट मी ऑन टू मिस्टर रविकांत। व्हिच रूम प्लीज? आई डोंट नो, इज द मैनेजिंग डायरेक्टर शांति कॉर्पोरेशन। देखिए हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकते, वो एक पार्टी में है। पार्टी? यस मैडम। इट्स वेरी अर्जेंट, मैं उनकी वाइफ बोल रही हूँ। सॉरी मैडम, उनके इंस्ट्रक्शंस है उन्हें डिस्टर्ब ना किया जाए। ऐसी जगह जहां मेरी भी कुछ कदर हो। आई एम सॉरी मनु, ये देखो वही नेकलेस। हैप्पी बर्थडे टू यू। नहीं चाहिए मुझे ये। मनु, बात यह है कि अचानक कुछ काम नहीं। इस दुनिया में किसे काम नहीं,
टैक्सी ड्राइवर, चपरासी, मजदूर, क्या उन्हें काम नहीं होता? लेकिन वो भी शाम होते ही अपने घर लौटते हैं, अपनी बीवी के पास, बच्चों के पास। अगर वो अपना काम वक्त पर बंद करके घर आ सकते तो क्या तुम नहीं आ सकते? मनु, तुम्हें आज का दिन याद रहा ना? मैं कैसी बात कर रही हूँ? अगर आज का दिन याद ना रहता तो ये नेकलेस लाना कैसे याद रहता? ये नेकलेस तुम मेरे लिए नहीं, अपनी गलती पर पर्दा डालने के लिए लाए हो। तुम अपनी दौलत से कुछ भी खरीद सकते हो, मगर एक बीवी को नहीं। मनु, मनु, तू ऊपर चल, मैं तुझे सब कुछ बताता हूँ। क्या बताओगे मुझे? हर गलती के लिए आदमी 50 बहाने बना सकता है। चोर और खूनी भी अपना जुर्म छुपाने के लिए कोई ना कोई कहानी सुना देते हैं। उसी तरह तुम मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो। मुझे ना तुम्हारी बातों में दिलचस्पी है और ना ही तुम में। क्योंकि तुम मुझसे प्यार कर बैठे इसलिए तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ी, और शादी कर बैठे इसलिए तुमने मुझे लाकर एक सोने के पिंजरे में बंद कर दिया। जब तुम्हारा जी चाहा थोड़ी देर के लिए दरवाजा खोल दिया। तुम कहो हंसो तो मुझे हंसना पड़ेगा, तुम कहो रो तो मुझे रोना पड़ेगा। मुझे नहीं चाहिए ये जिंदगी। मनु, तुम समझती क्यों नहीं? अगर मैं आज वहां ना गया होता तो वो लोग आज जा रहे थे। वो लोग तुम्हारा इंतजार नहीं कर सकते, लेकिन जन्मदिन को तुम्हारा इंतजार करना चाहिए, मेहमानों को तुम्हारा इंतजार करना चाहिए। अगर मेहमान तुम्हारा इंतजार ना कर सके, पत्नी को तो जरूरी तुम्हारा इंतजार करना चाहिए। क्यों? वो तो तुम्हारा पालतू कुत्ता है ना। मनु, तू नहीं जानती, आज जो मैंने एग्रीमेंट किया है उससे हमें करोड़ों का मुनाफा होगा, हम करोड़पति बन जाएंगे। मुझे करोड़पति नहीं, पति चाहिए। अगर तुम्हें करोड़ों से इतना ही प्यार था तो मुझसे शादी क्यों की? उन करोड़ों से कर लेनी थी। मनो, करोड़ों की खातिर तुम अपनी बीवी को भी छोड़ सकते हो। मनो, उन करोड़ों की खातिर दोबारा किसी और से भी शादी कर सकते हो। यस। बड़े मालिक, मैं सेवक राम बोल रहा हूँ। हाँ बोलो सेवक। वो छोटे मालिक भवरानी के बीच में झगड़ा हो गया है। व्हाट? भवरानी घर छोड़ के चली गई है। क्या? रवि, रवि। डैडी, आप कब आए? बहू कहाँ है? बहू हमेशा के लिए घर छोड़कर चली गई। ऐसा क्यों किया उसने? वो सख्त जिद्दी औरत है। नो, जरूर तुमने उसके साथ बुरा सलूक किया होगा। तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। हमारा ख्याल था तुम दोनों बड़ी सुखी जिंदगी गुजारोगी, लेकिन ये बीवी पर हाथ उठाने की सभ्यता तुमने कहां से सीखी? जवाब दो। बहू घर छोड़कर क्यों गई? जिन्होंने बाकी सब कुछ बताया है उन्होंने इसकी वजह नहीं बताई। अगर वही वजह है तो गलती तुम्हारी है। जाकर माफी मांगो उससे और उसे वापस ले आओ। डैडी। यस। नहीं डैडी, आप उसे नहीं जानते। वो इतनी मगरूर और बददिमाग है, ऐसी औरत फैमिली लाइफ के काबिल ही नहीं। वो किसी चीज को समझने के लिए तैयार ही नहीं, इसलिए मैंने उसकी कोई परवाह नहीं। रवि, तुम औरत को नहीं जानते। जब तुम उससे प्रेम करते हो उस वक्त वो देवी है जिसकी पूजा करने को जी चाहता है। शादी के दिन वो सुंदरता की देवी है, शादी के बाद वो प्यार की देवी है जो तुम्हारी जिंदगी को स्वर्ग बना देती है। जब उसकी संतान होती है तब वो ममता की देवी है। सिर्फ यही नहीं, जब मर्द की जिंदगी की शाम आती है उसका शरीर ढीला पड़ जाता है, उस वक्त उसे किसी साथी की जरूरत पड़ती है, तब वो देवी के रूप में
उसे सच्चा सहारा दे दिया। बेटा, औरत प्यार का सावन है जो मर्द की जिंदगी में सुख ही सुख बरसाता है, अपना सब कुछ निछावर कर देती है, लेकिन उसे प्यार के अमृत से सींचना पड़ता है। वो सावन तुम्हारे घर में आया और बरसा, लेकिन तुमने उसे निराश और प्यासा अपने घर से निकाल दिया। औरत के बिना घर घर नहीं, तपता हुआ रेगिस्तान है, जलता हुआ शमशान है। रवि, मर्द का दिन तब शुरू होता है जब सूरज चढ़ता है, औरत का दिन तब शुरू होता है जब सूरज ढलता है। मर्द दिन भर कहीं भी जाए, कुछ भी करे, औरत कभी नाराज नहीं होती, कोई सवाल नहीं पूछती, क्योंकि वो जानती है दिन ढलने के बाद जब घर में उजाला होगा, तब से अगली सुबह तक उसके पति का सारा वक्त उसके और उसके बच्चों के लिए। शाम होते ही वो नहा धोकर बन ठन कर अपने घर के दरवाजे पर खड़ी इंतजार करती है। किसके लिए? अपने पति के लिए। पति को आने में देर हो जाए तो उसे चिंता होती, इंतजार बढ़ जाए तो वो चिंता दर्द में बदल जाती, और फिर होले होले दर्द गुस्से की ज्वाला बनकर भड़क उठता है। गुस्से की उस आग को शांत करना हर पति की जिम्मेदारी है। रवि, मैं मानता हूं डैडी कि आपने जो कुछ भी कहा वो ठीक है, लेकिन उसे भी तो ये समझना चाहिए कि उस रोज मैं वक्त पर क्यों नहीं पहुंच सका, मेरी क्या मजबूरी थी? क्या मजबूरी थी? बिजनेस, दौलत कमाने का भूत तुम्हारे सर पर जो सवार है, जो जो दौलत बढ़ती है परेशानी भी बढ़ती है। तुम हमसे पूछ सकते हो कि हमने इतना रुपया क्यों कमाया? इसलिए कि हम ना समझते, हमारी अकल पर पर्दा पड़ा हुआ था, हम पागलों की तरह इस दौलत के पीछे भागते रहे। इस अंधी दौड़ में हमने दौलत को तो जीत लिया, लेकिन बाद में हमें पता चला कि हमने क्या हार दिया, क्या हार दिया। आपने मुझे याद किया सर। मिस्टर जगन्नाथ, आपके बारे में हमारी राय कुछ और थी, हम नहीं जानते थे कि आप इतने गैर जिम्मेदार निकलेंगे। जी, मुझसे कोई भूल हो गई। ये फाइलें वक्त पर दिल्ली क्यों नहीं गई? जी, ये वक्त पर पूरी नहीं हो सकी। क्यों नहीं? उसके लिए काफी वक्त नहीं था। क्यों नहीं था वक्त? इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि मैं ऑफिस में एक मिनट भी बेकार नहीं बैठा। ऑफिस टाइम में काम खत्म नहीं हो सकता था तो उसके बाद रातों में काम कर सकते थे, इतवार को काम कर सकते थे, किसी छुट्टी के दिन काम कर सकते थे, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा ओवरटाइम के पैसे मिल सकते थे। माफ कीजिएगा, मुझे ओवरटाइम करने का या जरूरत से ज्यादा रुपए कमाने का कोई शौक नहीं है। मैं इतना ना समझ नहीं हूं कि रुपयों की खातिर अपनी बीवी और अपने परिवार को भूल जाऊं। मिस्टर जगन्नाथ जी, ऑफिस के बाद का वक्त मेरे परिवार का है, इतवार या छुट्टी का कोई भी दिन मैं अपने परिवार के साथ गुजारता हूं, और वो वक्त मैं किसी भी कीमत पर ऑफिस के काम में नहीं लगा सकता। आप कहना क्या चाहते हैं? सिर्फ आप ही एक इंसान है जिसका घर है, बीवी है, हमारा कुछ नहीं? हा? इसका फैसला तो आप ही कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि क्यों हम घर बार बुलाकर दिन रात काम कर रहे हैं? वो आप अपनी खातिर कर रहे हैं। What do you mean? हम जो कुछ कर रहे हैं अपने घर के लिए कर रहे हैं, अपने बीवी बच्चे के लिए कर रहे हैं। जी नहीं, अपने नाम की खातिर, अपनी शोहरत की खातिर, अपने घमंड की खातिर। आप ये साबित करना चाहते हैं कि आप इस देश के सबसे बड़े आदमी हैं, जितनी दौलत आपके पास है और किसके पास नहीं। मिस्टर जगन्नाथ। यस मिस्टर चंद्रकांत, इंसान जिंदगी में जो पहला एक रुपया कमाता है उसके लिए वो खुद मेहनत करता है, उसके बाद वो एक रुपया उससे मेहनत करवाता है ताकि वो और रुपयों को अपनी तरफ खींच सके। इंसान इंसान नहीं रह जाता, दौलत का गुलाम बन जाता है। जैसे जुआ खेलने वाला अपना घर बार और अपने बीवी बच्चों को भूल जाता है, वही हाल दौलत का पीछा करने वालों का होता है।
अगर आपको मेरा काम करने का तरीका पसंद नहीं है तो मैं भी इस्तीफा दे सकता हूं, मगर आपकी खातिर मैं अपने असूल, अपना परिवार कुर्बान नहीं कर सकता। आप जा सकते हैं। ईशान, ये दौलत, ये आराम, ये सब कुछ मुझे नहीं चाहिए। अपने दिल के किसी कोने में मुझे थोड़ी सी जगह दे दीजिए। अपनी शोहरत की खातिर, अपने घमंड की खातिर आप ये साबित करना चाहते हैं कि आप इस देश के सबसे बड़े आदमी, जितनी दौलत आपके पास है और किसके पास है? शांति, शांति, शांति। मैम साहब डॉक्टर के पास नर्सिंग होम में गई हूँ। इट्स ऑल राइट डॉक्टर, आप मुझे बता सकती हैं मुझे क्या हुआ है? मैं आपके पति से बात करना बेहतर समझती हूँ। बीमार तो मैं हूँ, आप मेरा ही इलाज करने वाली हैं, दवा भी मुझे ही देंगे, फिर मुझे बताने में हर्ज क्या है? कुछ बातें ऐसी हैं जिनके बारे में आपके पति ही फैसला कर सकते हैं। फैसला करने के लिए उनके पास वक्त नहीं है डॉक्टर, उनके पास जो वक्त है वो उनके बिजनेस के लिए काफी नहीं होता। वो कब आते हैं कब जाते हैं घर में कोई नहीं कह सकता। शांति, शांति, क्या वो तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या बात है डॉक्टर? आप एक मिनट मेरे साथ आइए, आप यहीं बैठिए। डॉक्टर ने क्या कहा? कुछ नहीं, मैं जल्दी मर जाऊंगी, यही ना? नहीं शांति। डॉक्टर मरीज का चेहरा देख उसका मर्ज पहचान लेता है, और मरीज डॉक्टर के चेहरे के रंग देखकर अपनी हालत जान लेता है। डॉक्टर ने जब जिद की थी आपसे बात करने की, तभी मैं अपनी हालत के बारे में समझ गई थी। तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हेलो, हम बोल रहे हैं, सेवग्राम को फोन देना। सेवग्राम, हमारी टेबल पर एक विजिटिंग कार्ड पड़ा है, नाम है टॉम लैरी, उस पर उनका अमेरिका का एड्रेस और टेलीफोन नंबर लिखा है। फौरन अमेरिका कॉल बुक करो और ऑपरेटर से कहना कि कॉल हमें घर पर दे। तो सुनो, तुम्हारी मालकिन और हमारे अमेरिका जाने के लिए फॉरन वीजा का बंदोबस्त करो जितनी जल्दी हो सके। शांति, क्या हुआ शांति? मैं सोच रही थी मेरे लिए इस तरह बीमार होना भी
खुशकिस्मती की बात है। नहीं शांति, ये तुम क्या कह रही हो? आज मैं बहुत खुश हूँ जी, आप मेरी खातिर खुद डॉक्टर के पास आए, मुझे अपने पास गाड़ी में बिठा कर घर तक लाए, फिर अपनी बाजुओं का सहारा देकर मुझे बिस्तर पे लिटाया और अब अपने साथ मुझे अमेरिका ले जा रहे हैं। मुझे मुझे और क्या चाहिए? अब मुझे किसी इलाज की जरूरत नहीं है। शांति, ये खुशी मेरी बीमारी को दूर कर देगी जी। शांति, आज से तुम हमेशा हमारे साथ रहोगी, हमारे पास रहोगी। हम तुम्हें एक मिनट के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देंगे शांति। सभी डॉक्टरों ने यही कहा, अगर हम दुनिया की सारी दौलत ले आए तो भी कुछ नहीं हो सकता। वो सिर्फ उतनी देर ही जी सकती है जितनी देर उसकी बीमारी उसे जीने की इजाजत दे। अगर वो मिर्च मसाले वाला खाना ना खाए, नमक ना खाए, तो शायद उसकी जिंदगी के कुछ दिन बढ़ सकते हैं। समझ में नहीं आता क्या करें। आज कुछ चटपटा खाने को हमारा बहुत जी कर रहा है। खाने समय से कहो खूब मिर्च मसाला डाल के मेरे लिए सूखे चने बनाए जी। मसाला भर के शिमला मिर्च बनाए, बैंगन बनाए, बहुत दिन से खाया नहीं ना। उसे तेल या घी में बनी हुई कोई चीज नहीं खानी चाहिए। हमारे लिए देसी घी की पूड़ियां बनवाओ और साथ ढेर सारा आम का अचार भी रखना। और मीठा? मीठा तो उसके लिए जहर है। और हाँ, हमारे लिए खीर जरूर बनवाना, बहुत सारी खीर। हाँ, क्या इतनी भूख लगी थी इसलिए मैंने पहले खाना मंगवा लिया। शांति, अच्छा वो आप आ गए, साथ साथ खाना खाएंगे। शांति, शांति, तुम्हें ये सब कुछ नहीं खाना चाहिए। क्यों? खाऊंगी तो मर जाऊंगी, यही ना? शांति, शांति, जब तुम सब कुछ खा सकती थी तब हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, और आज सब कुछ है लेकिन तुम्हें खाने की इजाजत नहीं। मरना तो है ही, फिर क्यों ना खा के मरूं? शांति, शांति, जब तक हम जिंदा हैं तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकती। हमें पूरी उम्मीद है कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। शांति, तुम ये खाना मत खाओ प्लीज, हमारी खातिर। सिर्फ आज के दिन खा लेने दीजिए, फिर मैं कभी नहीं मांगूंगी जी। नहीं शांति प्लीज, उनने की खातिर। हाँ।
जॉन। जी साहब। तुम मालकिन के लिए वो ले आओ। स्वाद नहीं है जी, थोड़ा नमक चाहिए। शांति, समझ लो, इसमें नमक भी है, आम का अचार भी है, सूखे चने भी हैं, शिमला मिर्च भी है, मसाले वाले बैंगन भी हैं, खीर भी है। अब खा लो शांति। हमारा ये आलीशान महल, ये शान, हमारे लाखों रुपए तुम्हारी मां को एक पल के लिए भी जिंदा न रख सके। जो आदमी को एक पल की जिंदगी ना दे सके, वो दौलत किस काम की? जो पति को पत्नी के साथ गुजारने का थोड़ा सा वक्त ना दे सके, वो दौलत किस काम की? हम तुमसे पूछते हैं, क्या तुम्हें अपनी मां का प्यार मिला? नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो मर चुकी है। वो क्यों मर चुकी है? क्योंकि हम सब कुछ भुलाकर दिन रात लाखों कमाने में लगे रहे। क्या तुम भी उसी रास्ते पर चलना चाहते हो जिस रास्ते पर चलकर हम आज तक पछता रहे हैं? क्या तुम भी वही गलती कर? अभी मुझे मालूम था कि इसका अंजाम यही हो, इसलिए मैं शादी के लिए राजी नहीं था, लेकिन तुम दोनों ने जिद की, अब भुगतो। यूं बिगड़ने से क्या होगा, अब सोचो कि क्या करना है। वही जो ऐसी शादियों के बाद हमेशा होता है, डिवोर्स, तलाक। मनु, तुम मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करके उसका तमाशा देखने आए हो? जैसा बाप वैसा बेटा, खून का असर इतनी आसानी से नहीं जाता। मुझे पता था कि एक दिन यही होगा। खैर, जो होना था सब हो गया, अब तुम निकल जाओ यहां से। मैं अपनी बीवी से मिलने आया। वो तुमसे बात नहीं करना चाहती, तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। आई से गेट आउट। मनु, क्या तुम भी यही चाहती हो? मिस्टर रविकांत, तुम्हारा आखिरी फैसला क्या है? जो ये चाहती है मुझे मंजूर है। मिसेस रविकांत, तुम्हारा आखिरी फैसला क्या है? जो ये चाहता है मुझे मंजूर है। इसका मतलब ये है कि तुम दोनों तलाक चाहते हो। ऑल राइट, तलाक मंजूर किया जाता है। डैडी, कौन है आप? एक बदनसीब बाप, एक बदनसीब ससुर, जिसकी बहू और बेटा आपके सामने खड़े। कागज के एक टुकड़े पर दस्तखत करने से शादी ब्याह का रिश्ता खत्म नहीं हो जाता, ये तो जन्म जन्म का रिश्ता है। क्यों बहू, तुम तो कहती थी कि तुम्हें रवि के दिलो दिमाग से प्यार, उस प्यार की खातिर तुम दुनिया से लड़ने के लिए तैयार थी। अब कहां गया वो प्यार? और तुम्हें भी बड़ा दावा था कि मनु के बगैर तुम जिंदा नहीं रह सकते। अब क्या हो गया? कहां गए वो दावे जिनके बलबूते पर तुमने शादी की थी? शादी के लफ्ज का मतलब समझते तो इस हालत पर ना पहुंचते। शादी का मतलब है विश्वास और प्यार से एक दूसरे को संपूर्ण बनाना, एक दूसरे की कमियों को अपनी खूबियों से ढांप लेना। शादी और ब्याह दो जिस्मों की टक्कर नहीं है, तो आत्माओं का मेल है। दुनिया के तमाम रिश्तों में पति पत्नी के रिश्ते को ज्यादा ऊंचा माना गया है, इसीलिए इसमें समस्या भी ज्यादा है। लेकिन उन्हीं समस्याओं का हल इसी रिश्ते के अंदर है। अहंकार अगर दो आत्माओं को अलग कर सकता है, तो प्यार उन्हें एक भी कर सकता है। पति पत्नी के प्यार में ऐसी शक्ति है
चुप क्यों हो? बोलते क्यों नहीं तुम दोनों? लगता है तुम दोनों अपना अपना अहंकार छोड़ना नहीं चाहते। तुम दोनों तलाक लेने पर तुले हुए हो, जो जी में आए कर लेना, लेकिन लेकिन हमारे मरने के बाद हम अपने जीते जी अपनी आंखों के सामने ये कभी नहीं होने देंगे, कभी नहीं होने देंगे, कभी नहीं होने देंगे। डैडी, डैडी, डैडी क्या हुआ? क्या हुआ डैडी? क्या हुआ? तुम्हारी पत्नी तुम्हारे पास खड़ी और तुम उससे दूर जाना चाहते हो, मगर हमारी पत्नी हमसे बहुत दूर है और उसके पास जाना चाहते हैं। हाँ बड़े माली, जल्दी ले चलो। माफ कर दीजिए डैडी।